हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रामपुर के खड़हान दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बारिश से मची तबाही का यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। शिमला का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है तो आपको बता दें कि 16 घर ध्वस्त हो गए हैं तो 50 से ज्यादा का यहां पर नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे पूरे जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो चुकी है, लोगों को भारी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। इससे बीच मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से रामपुर के खड़हान दौरे पर सीएम सुक्खू बारिश से मची तबाही का नुकसान का यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। शिमला का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है खड़हान। तो आपको बता दें कि 16 अगस्त से आपको बता दें कि 16 घर यहां पर ध्वस्त हो चुके हैं, 50 से ज्यादा का यहां पर नुकसान पहुंचा है। जगह जगह से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की तस्वीर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि बादल फटने की भी खबर आ रही है, जिससे करोड़ों का यहां पर नुकसान पहुंचा है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेषर नेगी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशेषर, जिस तरह से यहां पर रामपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहां पर बारिश से मची तबाही का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी, मुख्यमंत्री रामपुर के ननखड़ी क्षेत्र में जान भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा आई है, वो तबाही वाले क्षेत्र है, उनका स्वयं जायजा कर रहे हैं। कल भी कुछ स्थानों का उन्होंने जायजा दिया था और लोगों को राहत राशि देने के भी निर्देश किए गए थे। और उसके बाद फिर आज जो बचा, खासकर खड़हान क्षेत्र है वहां का वो दौरा करेंगे और लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से कुछ ना कुछ वो विशेष उन्हें पैकेज देंगे। तो लोगों में आस भी है और खासकर वो लोग खड़हान का जो कस्बा है उनके अधिकतर घर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ ध्वस्त भी हुए थे और उम्मीद है कि कोई विशेष पैकेज दे, क्योंकि वो कस्बा सारा गिर रहा है, वहाँ का साथ का सड़क भी सारी धंस रही है, तो ऐसे में वहाँ काफी दिक्कतें हैं। तो देखते हैं मुख्यमंत्री की ओर से क्या घोषणा होती है, लोग भी नजर लगाए। जी विशेष सर, ये बताया जा रहा है कि शिमला के सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित इलाका है वो खड़हान है, यहाँ पर क्या अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है या फिर पटरी पर धीरे धीरे वापस यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से लौट रहा है? जी, जो शुरू के दिन जैसे ही प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे बाढ़ के कारण जो स्थिति बनी थी, खासकर वहाँ के लोगों का ये आरोप था कि वहाँ जो पानी ज्यादा, जो सड़क में होते हुए पानी आया, वो लोक निर्माण विभाग के जो बीच में गांव के बीच में जो सड़क है जी। वो सड़क में नालियां ठीक से नहीं बनी थी और वो दूसरे गांव से लेकर के लगभग 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र में जो पानी है वो सड़कों सड़क होते हुए खड़ान की ओर आया और उस वहां पर काफी अधिक बारिश के कारण वो पानी सारा आसपास में घुसा, जिस कारण वो जमीन जो है धंसने लगी और उस जमीन के धंसने से जो खड़ान का कस्बा है वहां भी कुछ घर, एक बड़ा घर था वो पहले ही ध्वस्त हो चुका था, उसके अलावा कई घर जो है वो बिल्कुल गिरने के कगार पर है, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो इसके अलावा दरारें लगभग वहां आसपास में काफी पड़ी है। तो अभी हालांकि कुछ दिनों से ज्यादा दिक्कत नहीं है, हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना है, वो असुरक्षित सब महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि दरारें काफी बड़ी है, ऐसे में वहाँ असुरक्षा का भी माहौल है। अब आने वाले टाइम में वो क्या स्थिति बनती है वो देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विशेषर नेगी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। रामपुर के खड़हान दौरे पर है मुख्यमंत्री सुक्खू, बारिश से यहाँ पर मची तबाही का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य में पिछले महीने आई घातक बाढ़ के बाद के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे बहाली कार्यों का विवरण भी साझा किया है। देखिए, लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है फील्ड में है और जो भी हमारे
जो भी काम चला हुआ है सड़क संपर्क का या अन्य जो राहत के काम है उस पर खुद निगरानी कर रहे हैं। और जहाँ तक सड़क संपर्क की बात है, नेशनल हाईवे हमारा जो कालका से शिमला है ये रेस्टोर हो गया है, आज मोटरेबल हो गया है, अभी बसों को छोड़ा है, अभी ट्रकें अभी शुरू नहीं किया गया इसमें। और इसी तरह से तकरीबन जो है ज़्यादातर जो नेशनल हाईवे और जो स्टेट रोड्स हैं वो आज की तारीख में बहाल है। अभी कोई 160 से ज़्यादा सड़कें ऐसी भी हैं जिनको अभी बहाल करना है। अभी जो ह्यूमन लॉस है करीब अब 223 के करीब हो गया है, इंजर्ड भी 295 से ऊपर हैं, हाउस डैमेजेस भी करीब करीब अब 800 के करीब फुली डैमेज्ड हैं, और 7,500 से ऊपर जो है पार्शल हाउस डैमेजेस हैं। तो साथ में जो अभी बहुत सारे और ऐसे हमारे जो है लोकल बॉडीज़ के जो जिसमें हमारे महिला मंडल है, कोई स्कूल्स हैं, उनके बिल्डिंग्स भी बहुत सारे डैमेज्ड हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांटा साहिब में बीती रात बादल फटा, जिसके कारण सिरमौरी ताला गांव में फ्लैश फ्लड से एक मकान ढह गया। इसके चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आए। कहा जा रहा है कि सभी की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटा हुआ है, लेकिन बाढ़ के बाद मलबा अधिक आने से राहत और बचाव कार्य में मुश्किलों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। इस घटना में गांव के 3 अन्य लोगों के घरों को भी यहां पर क्षति पहुंची है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, जिस तरह से सिरमौरी ताल में बादल फटने से भारी तबाही मची है, तो वही एक परिवार के 5 लोगों की यहां पर मौत की खबर है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि देर रात सिरमौरी ताल में जो बादल फटा है उसमें एक पूरा परिवार के जो लोग घर के अंदर थे और पूरा लगभग 15 फुट मतलब आके घर बिल्कुल डैमेज हो गया था। तो उसका बचाव कार्य सुबह से चला हुआ था, जिसमें से एक बच्चे का शव बरामद हो गया है। बाकी प्रशासन बचाव कार्य शुरू कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर अब मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अधिक दलदल आने की वजह से जो आसपास के जो घर है उन्हें भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है। इसके अलावा हम आपको बता दूं कि बीती रात ही 70 परिवार ऐसे हैं जो घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर थे। जी, राहत बचाव का कार्य किस तरह से चल रहा है रॉबिन? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो मलबा आया वो अन्य घरों को भी उससे नुकसान हो रहा है, तो इसको बचाव के लिए 2-3 LNT मशीनें मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का प्रयास किया ताकि जो और घर है उनको बचाया जा सके। जी रॉबिन, एक बच्चे का शव भी यहां से बरामद हुआ है, तो क्या और भी लोगों के यहां पर फंसे होने की कोई खबर है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक कुलदीप नामक व्यक्ति, उनके 5 मेंबर्स, उनके पिता और 2 बच्चे, लेकिन उनकी मिस जो कि इस घर के अंदर थे, अभी तक एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने अभी पूरा जो घर है उसको ढूंढने, क्योंकि वो पूरा इसी तरह से मलबे में दब चुका है, तो उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर फ्लैश फ्लड से एक मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चे के शव भी यहाँ पर बरामद हुआ है। सोलन में पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ सैरी के 18वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका सराहनीय रही है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय प्रदेश के विकास को दिया है। आज हमारा ये उत्तरदायित्व है कि उनका ध्यान रखें और इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। वर्तमान प्रदेश सरकार इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। उनको आधी सैलरी पे रख सकते हैं, पूरी सैलरी तो इसको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज पूरी सैलरी देने के लिए इस वक्त हम लोग वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पीरियड। देखो, मुझे पूर्ण आशा की कुछ एक उसमें होगा, ताकि हमारे इस प्रकार के लोग जो रेडियोलॉजी का नहीं कर पा रहे वो पूरे हों, और मुझे पूर्ण आशा की बच्चे मेरी बात माने। आई होप सो। ये हर घर में होना था। I saw in America, I saw in England also, कि भाई वो हर एक अपने नेशनल प्लेटफॉर्म था, हर एक चीज पे उनके नेशनल प्लेटफॉर्म तो सम्मान था, सर वो हैंकर सीट क्यों ना।
हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। रक्त टाइफस के मामले को लेकर आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने बैठक की है। बैठक में अस्पतालों में स्क्रब टाइफस को लेकर तैयारी प्रबंधों का जायजा लिया है, साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी यहां पर फैसला लिया गया है। इस बैठक में बताया गया है कि जुलाई में स्क्रब टाइफस के 15 मामले सामने आए हैं, जबकि अगस्त महीने में अभी तक 21 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा है कि बरसात के मौसम में स्क्रब टाइफस के मामलों को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जैसा कि अभी मेरी जानकारी में है कि लगभग पिछले 2-3 दिन में जो है वो 11 केसेस आए थे, आज अभी पिछले 2 दिन से 15 केसेस जो है स्क्रब टाइफस के आईजीएमसी में आए हैं। मेरा यही कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें पूरी हर तरह की जो वैक्सीन जो उपलब्ध है और डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और उसके लिए कोई लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात बरतें और इसमें इससे जो है पैनिक ना करें। शिमला नगर निगम ने पौधारोपण का महाअभियान की शुरुआत कर दी। सचिवालय में नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान सहित पार्षदों ने सचिवालय के कर्मचारियों के कमरे में जाकर उन्हें पौधा वितरित किए और इन पौधों को लगाने का आग्रह करने के साथ ही पौधा लगाने के बाद इनकी देखरेख करने को भी कहा है। नगर निगम 15 अगस्त तक शहर भर में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस बार 15 अगस्त आजादी के महोत्सव को पेड़ लगाकर मनाया जाएगा। अलग अलग कॉलेज, स्कूल और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हमने अपने एक इंटरेक्शन सब प्रोग्राम किया था, जाके हर आदमी पौधा लगाए और उसकी केयर करे। आज उसी संदर्भ में हमारा 15 से लेकर 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक एक पखवाड़ा के रूप में हम उसको सप्ताह को मना रहे हैं, हर आदमी पौधा लगाए, और उसको लेकर के हमने आज सचिवालय में ये इसका शुरुआत कर रहे हैं। जो अलग अलग ब्रांचेज और उन्होंने जहाँ जहाँ हमसे डिमांड की थी उस डिमांड को लेकर के मैं अपने साथियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, जैसा ममता जी हैं, आलोक पठानिया जी हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं, और स्टाफ के साथ उन लोगों को मैं हम पौधा आज दे रहे हैं। शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी बारिश से पानी की परियोजनाओं को शिमला में 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहीं नगर निगम के दायरे में 35 करोड़ का नुकसान भारी बारिश की वजह से हुआ है। अब शहर में हालात समान हो रहे हैं, जिसके बाद 41 से 42 एमएलडी पानी आ रहा है। शहरवासियों को तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। सतलुज से शिमला के लिए पानी को स्कीम को पूरा करने का लक्ष्य मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे शहर में पानी की कमी नहीं रहेगी। अभी जो ये हमारे मॉनसून के कारण और जो बरसातें हुई है 7 तारीख से लेकर टिल टुडे, जो एक नुकसान हमारा हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 35 करोड़ का नुकसान हुआ है, और SJPNL जो हमारे पानी की सप्लाई और मेजर सप्लाईज के जो एरिया में हमारे सोर्सेज पे जो नुकसान हुआ वो भी लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई लगभग अब ठीक हो चुकी है और प्रयास है, रात दिन इसी में लगे हैं और तीसरे दिन हमने पानी देना शुरू कर लिया है, और हमारा ये प्रयास है, आज भी हमने इनसे मीटिंग ली थी कि हम शीघ्र इसको 6 डेज अ वीक करने का कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में दिनों राजनीतिक सियासत काफी हाई है, जहां कांग्रेस नेताओं के बीच रार की खबरें सामने आ रही है, जिस पर अब बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह चरम सीमा पर पहुंच रही है। जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता अपने दर्द जनता के समक्ष ला रहे हैं, उसे पता चल रहा है कि ये नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस आपसी लड़ाई के कारण प्रदेश को विकास के मार्ग से रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई को अपने स्तर पर निपटे, लेकिन प्रदेश का विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी है, कांग्रेस की 10 गारंटियां जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव के दिनों में जनता को दी थी, उसको पूरा करने में अब पूरी तरह से असफल हैं, और प्रदेश की जनता आज ये देख रही है कि कितना बड़ा काम जो है वो आज इस आपदा के समय में केंद्र सरकार की मदद के माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अपने अंतर्कला में व्यस्त है।
पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से हिमाचल में आई है तब से प्रदेश में विकास से सभी कार्य ठप पड़े हैं। वहीं प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी घोषणा तो कर रही है, लेकिन कोई भी योजना जमीनी स्तर पर अमल में नहीं लाई जा रही है। पहला कंडीशन ये 2014 के अंदर जब FCA को सस्पेंड किया गया ट्राइबल एरिया के अंदर 2 साल के लिए, उसमें चंक एरिया का कंडीशन लगाया गया, जिसके कारण ट्राइबल एरिया के अंदर किसी को भी 2-3 साल जो रहा उसमें किसी को लाभ नहीं मिला। उसमें किन्नौर में जगत सिंह जी ने बहुत दावे किया कि भाई हमने FCA को सस्पेंड किया उसके कारण लाभ मिला। किन्नौर में किसी को लाभ नहीं मिला, जिनको लाभ मिला उनको लाभ मिला, सिर्फ जिनको पट्टा पहले नहीं मिला था उनको ऑलरेडी सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट थे। बिलासपुर शहर में जिला का पहला इलेक्ट्रिक ऑटो सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आया। बिलासपुर शहर के साथ लगते बामटा निवासी संजू कुमार की ओर से जिला का पहला इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदा गया, जिसके माध्यम से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर जहां इस इलेक्ट्रिक ऑटो में ईंधन की खपत कम है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये इलेक्ट्रिक ऑटो चालक बेहतर संदेश दे रहा है। बिलासपुर का स्थायी निवासी हूँ और मैं इलेक्ट्रिक ऑटो लेके आया हूँ, जिसकी कॉस्ट 3 लाख। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तिथि, जिसे अब बढ़ा लिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 6ठी क्लास में दाखिल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को 17 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। इच्छुक छात्रों के अभिभावक और माता पिता जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nawoday.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास लैंडस्लाइड के 30 मीटर से 25 मीटर एरिया में आज छोटे वाहनों के लिए दो तरफा यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि यहां सिर्फ दो तरफा यातायात की बहाली तो हुई है, जबकि खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। जिला प्रशासन और NHAI के सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक हाईवे को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन उससे पहले ही बीती रात 8 बजे यहां हाईवे फिर से पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने के कारण बंद हो गया था। सुबह के KMC कंपनी के ठेकेदारों की मशीनरी मौके पर मलबा हटाने से जुट गई थी और 9 बजे हाईवे को यहां पर यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये सबको विदित है, हमारा जो ये स्ट्रेच है 7 मील के पास अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर जो रोड का पोर्शन है वो अफेक्टेड है ड्यू टू लैंडस्लाइड। 30 मीटर पोर्शन में हमने आज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर जो पोर्शन है हमारा 2 लेन हो गया है और केवल 5 मीटर या 7 मीटर के अप्रोक्सीमेटली जो है वो सिंगल लेन है। अगर हम इसको कोशिश करेंगे कि कल भी एक आध घंटे का जाम लेके इसको जो है 2 लेन कर दें, और लोगों से मेरी अपील रहेगी कि अभी भी रास्ता तो थोड़ा खुल गया है लेकिन खतरा टला नहीं है, अभी भी शूटिंग स्टोन आ सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली प्लान करें, अपनी सावधानी का ध्यान रखें और बहुत नेसेसरी होने पर ही विजिट करें। सोलन में PWD विभाग पर लापरवाही का आरोप लगातार लग रहा है। दरअसल सोलन के साथ लगते ईश्वरी खंड में बीते दिनों हुई बारिश के कारण सड़क किनारे डंगा ढह गया, जिसे दोबारा लाया जा रहा है, लेकिन जो सीमेंट और मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें रेत और रोड़ी कम मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वहीं मामले में मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि जल्दबाजी में काम किया जा रहा है, गुणवत्ता की जांच होगी। यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत आई कि जो यहाँ पर सोलन अश्निक रोड पर जो एक सड़क धस गई यहाँ पर, और यहाँ पर एक जो है PWD द्वारा डंगा लगाया जा रहा है, उसमें जो है घटिया जो सामग्री है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर मौके पर आया, मैंने स्वयं देखा कि बजरी के नाम पर यहाँ से लोकल कहीं से जो है जिसमें 30% गटका या बजरी बोल सकते हैं और 70% मिट्टी जो है वो बजरी के नाम पे जो है इसमें जो इस्तेमाल की जा रही थी। मैं ये प्रशासन से भी और सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ कि सरकार इसकी जो है छानबीन करे, जो घटिया मटेरियल ये लगाया जा रहा है।
अब रुख करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस की खबरों की ओर। हिमाचल के जिला चंबा में आई फ्लू बीमारी ने दो दी दस्तक, कई लोग चपेट में हैं। केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला खंडला में आई फ्लू के 21 मामले आए सामने। चंबा में लोक निर्माण विभाग ने बहाल किए संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग, जगह जगह पड़े मलबे को हटाने का कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर सभी मार्ग को किया जाएगा सुचारू रूप से बहाल। नाहन में जेबीटी डीएलएड ईडी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को अपनी समस्याओं के संबंध में सौंपा ज्ञापन, अपनी समस्याओं को लेकर उपनिदेशक को करवाया अवगत। हमीरपुर में खंड विकास कार्यालय के बाहर लगा गंदगी का अंबार, पिछले एक सप्ताह से सीवरेज लाइन पूरी तरह से बंद, लोगों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। सोलन मंडी में टमाटर ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, मंडी में टमाटर बिका 5000 रुपए प्रति क्रेट, सेब और टमाटर के दाम हुए बराबर। हिमाचल के जिला कुल्लू में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ढालपुर के कार्यक्रम आयोजित, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर रहे मौजूद। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर फिर से चलने लगी बसें, जिला प्रशासन ने दिया आदेश। सोलन सब्जी मंडी में 450 ग्राम गोभी के फूल को देखा व्यापारी हुए हैरान, व्यापारियों का कहना है कि अगर इस तरह से किसान बेचेंगे थर्ड ग्रेड का माल तो अपना व्यापार कैसे करेंगे। हिमाचल के ऊना में नशा मुक्त अभियान किया गया आरंभ, रेड क्रॉस सोसाइटी ने शुरू किया अभियान। हिमाचल के फतेहपुर उपमंडल के अंतर्गत बर्ड सेंचुरी एरिया में वन्य प्राणी विभाग ने गुजरों की करीब 25 भैंसों पर किया काबू। सोलन शहर के जौनाजी रोड पर सड़क धंसने के चलते संपर्क मार्ग बाधित, वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से हुई प्रभावित। हिमाचल में पठानकोट में मंडी राष्ट्रीय मार्ग पर 32 मील पर पहाड़ी से मलबा आने से करीब 6 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग रहा बाधित, जिस कारण छात्रों नौकरी पेशा लोगों के करना पड़ रहा काफी मुश्किलों का सामना। हिमाचल के शिमला में सीटू का प्रदर्शन, 4 नए लेबर कोड को निरस्त करने, प्रदेश के नियमों को बोर्ड कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सहित आउटसोर्स के नीति बनाने की मांग। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।